गुल्ली बुल्ली और सोन के घर पे आज रॉड और बाबा आए हुए हैं, क्योंकि आज जब गुल्ली बुल्ली और सोन अपने घर की साफ सफाई कर रहे थे तो इन लोगों को स्टोर रूम से एक बहुत ही पुराना बक्सा मिला, जिस बक्से को गुल्ली बुल्ली और सोन रॉड और बाबा के सामने ही खोल कर देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, गुल्ली बुल्ली और सोन, इस बक्से में ऐसा क्या है जिसे दिखाने के लिए तुम लोगों ने रॉड और मुझे यहाँ बुलाया है। रॉड कहता है, हाँ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैं कितना जरूरी काम छोड़कर तुम लोगों के पास आया हूँ। आज मुझे बहुत सारा केक बनाना है, क्योंकि हमारे शहर के सबसे अमीर आदमी ने आज मुझे 50 केक का ऑर्डर दिया है, जिस ऑर्डर को मुझे आज के आज ही पूरा करना है। उसने मुझसे कहा है कि उसके पास बहुत सारे कुत्ते हैं, अगर मैं उसका ऑर्डर समय पर पूरा नहीं करूँगा तो वो मुझे अपने कुत्तों से कटवा देगा। सोन कहता है, लेकिन रॉड, जब वो सारे कुत्ते तुम्हें एक साथ काटेंगे तब तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। ये तुम क्या कह रहे हो सोन, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं उसका ऑर्डर पूरा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम लोग बस मुझे इतना बता दो कि इस बक्से में क्या है। गुल्ली कहता है, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता है कि इस बक्से में क्या है, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि बहुत दिनों पहले हमारे घर पे पुंगी चाचा इस बक्से को लेकर आए थे, और पुंगी चाचा ने मुझे और बुल्ली से कहा था कि हम लोग इस बक्से को स्टोर रूम के अंदर छिपा कर रख दें और इस बक्से को कभी खोल कर ना देखें। बुल्ली कहता है, पुंगी चाचा की बात सुनकर मैंने और गुल्ली ने इस बक्से को स्टोर रूम में रख दिया था, और कुछ दिनों बाद हम लोग इस बक्से के बारे में भूल ही गए थे। बहुत दिनों बाद आज स्टोर रूम की साफ सफाई करते हुए मैंने और गुल्ली ने इस बक्से को देखा और सोचा कि क्यों ना आज हम लोग इस बक्से को खोल कर देखें कि इस बक्से में ऐसा क्या है जिसके कारण पुंगी चाचा ने हमें इस बक्से को खोलने से मना किया था। लेकिन गुल्ली बुल्ली, अगर इस बक्से से कुछ खतरनाक चीज बाहर निकल जाए तो क्या होगा। गुल्ली कहता है, हमें भी ऐसा ही लगता है रॉड, इसलिए तो हमने तुम्हें और बाबा को यहाँ बुलाया है ताकि तुम उस खतरनाक चीज को फ्रीज कर दो और बाबा उससे लड़कर हमें बचा लें, लेकिन जो भी होगा वो देखा जाएगा, चलो अब मैं इस बक्से को खोलता हूँ। ये कहकर गुल्ली इस बक्से को खोलता है। बक्सा खोलते ही इन लोगों ने देखा कि बक्से के अंदर तो एक छोटा सा कंप्यूटर रखा हुआ है जो दिखने में बहुत ही पुराना लग रहा है। गुल्ली बुल्ली को ये समझ नहीं आ रहा है कि इस कंप्यूटर में ऐसा क्या है जिसके कारण पुंगी चाचा को ये कंप्यूटर इस बक्से के अंदर बंद करना पड़ा। सोन कहता है, अरे ये कंप्यूटर तो बहुत ही अजीब है, मैंने आज पहली बार इस तरह का कंप्यूटर देखा है। हाँ सोन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन चलो अब हम लोग इस कंप्यूटर को चालू करके देखते हैं, पता नहीं ये चालू होगा भी या नहीं। ये कहकर ये लोग इस कंप्यूटर को घर के अंदर लेकर आते हैं और सोन इसे चालू करने की कोशिश करने लगता है। अरे ये क्या, इस कंप्यूटर का स्पीकर तो हिलने लग गया और इसमें तो सिग्नल भी नहीं है। तभी अचानक गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड और बाबा इस कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। थोड़ी देर में ये लोग एक एरोप्लेन से नीचे गिरते हैं। सोन गिरते हुए कहता है, ये हम लोग कहाँ गिर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग बचेंगे, अपनी आखिरी सांसें ले लो गुल्ली बुल्ली। बाबा कहते हैं, देखो जरा ध्यान से, नीचे मुझे एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है और हम सारे लोग उस तालाब की तरफ ही जा रहे हैं, पानी में गिरने से शायद हमें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में ये लोग पानी में गिर जाते हैं, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि इन लोगों को कुछ नहीं हुआ। सोन कहता है, चलो जल्दी सब लोग इस तालाब से बाहर निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि इस तालाब में कोई मगरमच्छ रहता हो। सोन की ये बात सुनकर ये लोग इस तालाब से बाहर आने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली, सोन, रॉड और बाबा को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में ये लोग तालाब से बाहर आ जाते हैं। रॉड कहता है, गुल्ली बुल्ली, ये हम लोग कहाँ आ गए। अरे रॉड, ये हमें कैसे पता होगा, हम यहाँ रहते थोड़ी ना है। बाबा कहते हैं, देखो गुल्ली बुल्ली, सोन और रॉड, सामने में 2-3 घर है, चलो चलकर उन घरों में रहने वाले लोगों से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। ये कहकर ये लोग सामने वाले घरों की तरफ जाने लगते हैं। घरों के पास आते ही ये लोग एक घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर आते ही इन लोगों ने देखा कि ये घर तो पूरा खाली है, बस इस घर में 2-3 गन, पेन, ग्रेनेड और मेडकिट रखे हुए हैं। सोन कहता है, अरे ये क्या, इस घर में तो कोई नहीं रहता, चलिए बाबा किसी दूसरे घर में चलते हैं। ये कहकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। घर से बाहर आते ही इन लोगों को गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगती है। रॉड कहता है, बाबा ये गोलियों की आवाजें कहाँ से आ रही है। बाबा कहते हैं, मुझे क्या पता रॉड, चलो चलकर देखते हैं। थोड़ी दूर आते ही इन लोगों ने देखा कि सामने वाले घर के पास 2 रोबोट हैं और वो दोनों रोबोट आपस में गोलियां चला रहे हैं।
तभी अचानक नीचे वाले रोबोट को एक गोली लग जाती है और ये गिरकर एक बॉक्स बन जाता है। और थोड़ी देर में छत वाले रोबोट को भी कोई गोली मार देता है और ये भी गिरकर बॉक्स बन जाता है। लेकिन इस रोबोट को गोली मारी किसने? गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और बाबा जैसे ही पीछे पलटकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस रोबोट को तो जेसन ने गोली मारा है। जेसन को देखकर गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और बाबा बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जेसन इन लोगों को जानता है। अब ये लोग जेसन से मदद लेकर अपने घर जा पाएंगे। तभी जेसन इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों से कहता है, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लोगों को भी रियल वाला पबजी गेम खेलना पसंद है? पबजी गेम? ये कौन सा गेम है जेसन? मैंने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। सोन कहता है, बाबा मैंने पबजी गेम के बारे में सुना है और मैंने तो पबजी गेम खेला भी है, लेकिन सिर्फ मोबाइल और कंप्यूटर में। मुझे नहीं पता था कि पबजी गेम रियल में भी होता है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि वो पुराना कंप्यूटर कोई ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है, बल्कि वो कंप्यूटर ही लोगों को पबजी गेम के अंदर ले आता है। लेकिन अब हम लोग इस रियल वाले पबजी गेम से वापस अपने घर कैसे जाएंगे? बाबा कहते हैं, बताओ जेसन, हमें यहाँ से वापस अपने घर जाने के लिए क्या करना होगा? बाबा की बात सुनकर जेसन कुछ कहने वाला ही था कि तभी अचानक जेसन को एक गोली लगती है और ये भी गिरकर एक बॉक्स बन जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और बाबा बहुत डर जाते हैं। पता नहीं जेसन को गोली किसने मारा। दोस्तों आपको क्या लगता है, गुल्ली बुल्ली सोन रॉड और बाबा इस पबजी गेम से बाहर कैसे निकलेंगे? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।